हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 21 दिसंबर 2018 की प्रीलिम्स आर्बिट्रेज सीरीज में आपका स्वागत है। जो आज का हमारा पहला आर्टिकल आया है वो आया है ऑपरेशन विजय के बारे में। तो ऑपरेशन विजय के बारे में फैक्ट है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या है ऑपरेशन विजय। तो देखो, बेसिकली हम बात करें कि हमारे देश में सबसे पहले आए थे पोर्तुगीजी। हमें पता है कि पोर्तुगीज हमारे देश में सबसे पहले आए थे, और मैं आपको कि पोर्तुगीजी हमारे देश में सबसे लास्ट में गए थे। पोर्तुगीज गए थे हमारे देश में, हम बात करें 1961 में। देखो, पोर्तुगीज ने लास्ट तक हमारे देश की आज़ादी हो गई थी, इसके बाद में भी इन्होंने गोवा, इसके साथ दमन एंड दीव, इन एरिया पे बेसिकली इनका कब्जा था पोर्तुगीज का, और उनको आज़ाद करवाया गया था 1961 में। तो यह चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे देश में सबसे लास्ट में पोर्तुगीज ही गए थे और सबसे पहले भी पोर्तुगीज आए थे। तो अभी जो गोवा का 57वां लिब्रेशन डे है उसको आयोजित किया गया था, उसी के बेसिकली लेकर कंटेक्स्ट है वो आया है। 17 दिसंबर 1961 को बेसिकली ऑपरेशन विजय स्टार्ट किया गया था, जिसका मेन मोटो ये था कि पोर्तुगीज को बेसिकली दमन एंड दीप और गोवा से हटा दिया जाए, और उसके बाद इसको यूनियन टेरेटरी के तौर पे रखा गया था। देखो, स्टार्टिंग में गोवा है वो भी एक यूनियन टेरेटरी था, और दमन एंड दीप भी यूनियन टेरेटरी थे। तो दमन एंड दीप हैं वो तो आज भी टेरेटरी हैं, यूनियन टेरेटरी हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, जबकि गोवा को बाद में 1987 में एक फुल स्टेट है उसमें कन्वर्ट कर दिया गया था। तो ये चीज़ हमें कुछ फैक्ट है वो ध्यान में रखनी है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ऑपरेशन विजय के तहत ही इंडिया में गोवा और दमन और दीव को मिलाया गया था। इसके साथ ही हमारे देश में आज़ादी के बाद, मतलब हम स्वतंत्र हो गए थे, उसके बाद पहला रेफरेंडम था, ये आपको ध्यान रखना है। और अभी तक एक ही रेफरेंडम हुआ है, उसके तहत बेसिकली गोवा में ये किया गया था कि भाई आपको एक अलग से, मतलब यूनियन टेरेटरी के तौर पे रखना है या फिर आपको महाराष्ट्र में शामिल होना है। तो उन लोगों ने बेसिकली उस टाइम पे अलग से यूनियन टेरेटरी के तौर पे रहने की बात है वो की थी। तो ये ध्यान रखना है कि ओनली रेफरेंडम टू हैव बीन हेल्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब स्वतंत्र भारत में पहला और एकमात्र जो रेफरेंडम जनमत संग्रह हुआ था वो गोवा में ही हुआ था, किसी को लेके कि उन्हें महाराष्ट्र के अंदर शामिल होकर रहना है या फिर अलग से। देखो, पोर्तुगीज की हम बात करें तो बेसिकली पोर्तुगीज आए थे हमारे देश में 1510 के आसपास, 1510 में पोर्तुगीज आए थे, और इसके बाद ये गए थे लगभग 450 साल इन्होंने राज किया, और इसके बाद 1961 में इनको बेसिकली इंडिया से खदेड़ा गया था। तो ये कुछ फैक्ट हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है बेसिकली विंटर सोलस्टिस के बारे में। तो क्या है विंटर सोलस्टिस, ये हम देख लेते हैं। देखो, ज्योग्राफी में हमने चार वर्ड के बारे में काफ़ी बार देखा है। एक तो हमने यहाँ पे देखा है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, इसके साथ हमने देखा है ऑटम्नल इक्विनॉक्स, और समर सोलस्टिस और विंटर सोलस्टिस, ये हमने चार वर्ड बेसिकली काफ़ी बार डिस्कस की हैं, और इनके बारे में आज हम देख लेते हैं। कंटेक्स्ट बेसिकली यह है कि अभी आपको पता है कि आज 21 दिसंबर है, और आज के दिन ही बेसिकली विंटर सोलस्टिस, यानी कि हम बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या नॉर्दर्न जो गोलार्ध हैं इसमें आज का दिन रात है वो सबसे लंबी होती है, और साउथ की हम बात करें सदर्न हेमिस्फीयर की तो आज वहाँ पे सबसे लंबा दिन है, और उसको बेसिकली शीतकालीन अयांत या फिर उसको विंटर सोलस्टिस के नाम से जाना जाता है। तो देखो, इसमें दो तीन फैक्ट ये ध्यान में रखना है। यूपीएससी एक तो उनको मेज द फॉलोइंग करवा सकती है क्रॉस में, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा कब कब है आयोजित है वो होता है या कब कब डे बेसिकली है। तो देखो, दो चार फैक्ट हम देखते हैं कि विंटर सोलस्टिस में होता क्या है। विंटर सोलस्टिस का मतलब देखो ये होता है कि सूर्य की जो किरणें हैं ना वो बेसिकली मकर रेखा पे सीधी गिरती हैं, क्योंकि देखो आपको पता है कि अर्थ है वो टिल्ट है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि सूर्य के ऊपर जो ये होगी मकर रेखा हमारी, और मकर रेखा पे सूर्य किरणें सीधी गिरती हैं, इसलिए जो नॉर्दर्न गोलार्ध है इसमें क्या होता है रात बहुत लंबी होती है और दिन है वो काफ़ी छोटा होता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, वहाँ पे दिन तो लंबा होगा सॉरी और रात है वो होगी छोटी। तो ये इसमें बेसिकली फैक्ट है। इसके साथ ही जब विंटर सोलस्टिस होता है तो उसमें जो पोलर की नाइट है, मतलब ध्रुव पे जो रात होती है वो 6 महीने की रात होती है, और समर सोलस्टिस होता है उसमें नॉर्दर्न गोलार्ध में या नॉर्दर्न पोल में 6 महीने का दिन होता है। तो यूपीएससी ऐसे पूछ सकती है, जैसे कि विंटर सोलस्टिस है उसमें बेसिकली दिन है वो होता है पोलर पे, तो ऐसा नहीं है, उसमें नॉर्दर्न पोल में बेसिकली रात है वो होती है, और सदर्न गोलार्ध में या सदर्न पोल में दिन है वो होता है। तो इस तरीके से हमें एक छोटा सा फैक्ट है वो ध्यान में रखना है। बाकी रही बात समर सोलस्टिस की, तो वो आपको पता है कि 21 जून को होता है, तो यूपीएससी इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकती है। देखो, ये समर सोलस्टिस जो विंटर सोलस्टिस हैं ये बेसिकली होते हैं हमारी अर्थ और सन के जो चक्कर लगा रही है, अर्थ सन के चारों ओर, तो उसमें अर्थ की लोकेशन वो चेंज हो रही होती है, और इसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज है, ऋतु है, वो आती रहती है। तो ये ध्यान में रखना है। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि अभी चल रहा है विंटर सोलस्टिस, तो विंटर सोलस्टिस पे क्या होता है
सूर्य की सनलाइट है वो मकर रेखा पे सीधी गिरती है। और हम बात करें समर सोलस्टिस की, तो समर सोलस्टिस में क्या होता है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे सीधी गिरती हैं। तो ये बेसिकली फैक्ट है। तो यूपीएससी पूछ सकती है कि समर सोलस्टिस है इसमें रात है वो नॉर्दर्न पोल में लंबी होंगी, तो हाँ बिल्कुल सही है कि नॉर्दर्न पोल में रात सॉरी वो दिन है वो लंबे होते हैं ना कि रात। और हम बात करें स्प्रिंग इक्विनोक्स या फिर वर्नल इक्विनोक्स और इसी के साथ ही ऑटमनल इक्विनोक्स, इन दोनों में क्या होता है दिन और रात वो इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही कंडीशन में सूर्य है उसकी किरणें सीधी भूमध्य रेखा पर गिरती है, यानी कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें गिरती हैं, तो इसलिए इसमें दिन और रात हम इक्वल होते हैं 12-12 घंटे के। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। अब हम चलते हैं आगे। आगे देखो जो नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी के बारे में। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि है ट्रीटी कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में थी, तो यह ध्यान रखना है ये बेसिकली यूएसए और रशिया के बीच में ट्रीटी है वो साइन हुई है। देखो अभी ये ट्रीटी है वो बेसिकली कैंसिल कर दी गई दोनों ही कंट्रीज के द्वारा, दोनों ही कंट्रीज हैं वो इस ट्रीटी से पीछे हट चुकी हैं, तो उसको लेकर कंटेक्स्ट है वो आया है। और इस ट्रीटी में क्या प्रावधान था वो भी हम देखते हैं। देखो आपको पता है कि जो ही भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद ही कोल्ड वर्ल्ड वॉर है वो स्टार्ट हो गया था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। इसके बाद में हमें पता है कि 1987 के बाद क्या हुआ था, यूएसएसआर वो डिसइंटीग्रेट हो गया था और काफ़ी सारी कंट्रीज हैं वो बनी थी, बेसिकली सेंट्रल एशिया की कंट्रीज है वो इसके बाद ही बनी थी। तो उस दौरान क्या क्या यूएसए और यूएसएसआर या आप बोल सकते हो रूस ने दोनों ने एग्रीमेंट साइन किए, एक ट्रीटी साइन की जिसका नाम था इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। इस ट्रीटी का में ये प्रावधान किया गया था कि दोनों ही कंट्री हैं वो 500 से 5500 किलोमीटर रेंज की जो मिसाइलें हैं, कौन कौन सी मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल और जो कन्वेंशनल ग्राउंड लॉन्च की जो मिसाइल हैं जैसे बैलिस्टिक हो या फिर क्रूज मिसाइल हो, 500 से 5500 किलोमीटर की रेंज की जो भी मिसाइलें हैं मतलब इस रेंज के बीच की मिसाइलें हैं उनको दोनों ही एलिमिनेट है वो कर देंगे धीरे धीरे परमानेंटली। ये बेसिकली इस ट्रीटी में प्रावधान किया गया था। बट दोनों ही कंट्रीज हैं वो आपस में धीरे धीरे मतलब इलीगल तरीके से इसका उल्लंघन है वो कर रही थी। तो इसके बाद सबसे पहले तो रशिया ने इसको रेक्टिफाई, रशिया ने इसको कैंसिल किया और उसके बाद अभी एक अनाउंसमेंट हुआ कि हाँ भाई यूएसए ने भी इसको कैंसिल है वो कर दिया है। तो बेसिकली इसमें इफेक्ट यही बनता है कि यह ट्रीटी कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में है। अगर यूपीएससी ज़्यादा डीप से पूछेगी तो वो इतना पूछ सकती है कि किस से रिलेटेड है, तो हमें पता होना चाहिए कि 500 से 5500 किलोमीटर के बीच की जो भी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल है, न्यूक्लियर हो या फिर कन्वेंशनल ग्राउंड मिसाइल हो, उनको बैन करने के लिए बेसिकली ट्रीटी है, उनको परमानेंटली खत्म करने के लिए ट्रीटी है वो आई थी ताकि शांति स्थापित की जा सके। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के बारे में। देखो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है इसका कंटेक्स्ट अभी आया है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है जिसके द्वारा बेसिकली ये स्कीम है वो इम्प्लीमेंट की गई है, उसने अभी इंडिया की जो मारुति सुजुकी कंपनी है इसके साथ एक एमओयू साइन किया है ताकि रूरल यूथ है उसको स्किल प्रोवाइड करवाई जा सके दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत। ये बेसिकली कंटेक्स्ट आया। तो एक तो यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है कि किस महिंद्रा कंपनी ने साइन किया फिर कोई और भी कंपनी, तो हमें पता होना चाहिए कि मारुति सुजुकी ने मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत एमओयू साइन किया है। इसका फायदा क्या होगा? देखो इसका फायदा बेसिकली एक तो ये होगा कि हमारे देश में जो पुअर यूथ है उसको स्किल मिलेगी, इसके साथ ही उनको जॉब रिलेवेंट जो उनमें कैपेसिटी है वो है डेवलप की जाएगी, उनकी जो क्षमता है उसको डेवलप किया जाएगा। तो स्किल और उनकी क्षमता को डेवलप बेसिकली इसमें किया जाएगा, तो ये इसके दो बेनिफिट है वो मोटे तौर पर होने वाले हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की यह स्कीम है जो कि बेसिकली 2014 25 सितंबर को लॉन्च की गई थी, क्योंकि उस दिन अंत्योदय दिवस है वो मनाया जाता है और उसी के उपलक्ष में स्कीम को स्टार्ट किया गया था। और ये स्कीम है वो बेसिकली नेशनल रूरल लाइवहुड मिशन का एक पार्ट है। देखो नेशनल रूरल लाइवहुड मिशन का मेन मतलब ये है एनआरएलएम का कि हमारे देश में जो रूरल एरिया है वहाँ पे लोगों की जो आजीविका है उसको सिक्योर और उसको अच्छे से एक तरीके से ढंग से है वो एक्टिव रह सकें, इसके लिए फोकस किया जाता है नेशनल रूरल लाइवहुड मिशन में। तो इस मिशन में छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं और उनमें एक प्रोजेक्ट है हमारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। इस योजना में क्या होता है कि हमारे देश में जो पुअर रूरल फैमिली है मतलब जो ग्रामीण एरिया के गरीब लोग हैं, गरीब परिवार हैं, उनको बेसिकली कैरियर के बारे में या उनकी यूथ को स्किल है वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं ताकि वो अपनी आजीविका चला सकें। इसके साथ गवर्नमेंट उनको थोड़ी फाइनेंशियल एड है वो भी सपोर्ट है वो दिए जाते हैं तरह तरह के। बेसिकली दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण जो कौशल योजना है इसका मेन मोटो रहता है
रूरल एरिया की 15 से 35 साल की जो पुअर फैमिलीज के यूथ हैं उनको स्किल इंडिया कैंपेन के तहत है उनको ट्रेनिंग दी जा सके, उनको स्किल प्रोवाइड करवाई जा सके ताकि वो बेरोजगारी से दूर रह सकें, इसके साथ उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। और अगर उनमें स्किल डेवलप होती हैं तो जो असामाजिक तत्व हैं उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं रहेगा, तो इसके साथ देश के डेवलपमेंट में उनका काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रह सकता है और वो अपनी आजीविका को भी सिक्योर है वो कर सकते हैं। ये सब बेसिकली इसके प्रावधान है वो रखे गए हैं। इसके साथ ही मेक इन इंडिया में भी काफ़ी हेल्प मिल सकती है हमें, और इसी के साथ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चलाएगा उसमें भी हमें सपोर्ट मिलेगा, और स्मार्ट सिटी जो जो स्टार्टअप प्रोग्राम चलाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा उन सब में भी हमें काफ़ी हेल्प है वो मिलने वाली है, इसलिए स्कीम बेसिकली चलाई गई थी। इस स्कीम का मेन मोटो देखो मैंने आपको जैसा बताया था यही रहा है कि रूरल एरिया के अंदर जो लोग हैं उनकी आजीविका को सुधारा जा सके और उनकी रोजी रोटी वो भी चलती रहे और वो एक तरीके से अपनी जॉब है उसको भी क्रिएट कर सकें, तो ये इसलिए उनको स्किल वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है एफिशिएंसी गैप इन इंडिया पावर सेक्टर। देखो बेसिकली वर्ल्ड बैंक की अभी एक रिपोर्ट आई है तो ये हमें ध्यान में रखना है, रिपोर्ट का नाम है बेसिकली इन द डार्क हाउ मच टू पावर सेक्टर डिस्ट्रक्ट कॉस्ट साउथ एशिया। तो ये रिपोर्ट का देखो आपको जो टाइटल है जो टाइटल है वो तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया में जो पावर सेक्टर की एफिशिएंसी को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, और इस रिपोर्ट में क्लियरली ये कहा गया है कि भाई हमारे देश में पावर सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट वहन कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे देश जो जीडीपी है उसका 4% लगभग पावर सेक्टर को जरूरत है। जैसे मान लो कि हमारे देश की जीडीपी है 1,00,000 करोड़ रुपए की, इसका मतलब 4,000 करोड़ रुपए वो तो हमारे देश में पावर सेक्टर को ही जरूरत है जो कि अभी काफ़ी पीछे चल रहा है। इसमें देखो काफ़ी सारा डाटा प्रोवाइड करवाया गया है वैसे इस रिपोर्ट में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया कि भाई इंडिया को लगभग 2016 की जो उनकी फाइनेंशियल ईयर था उसके अकॉर्डिंग इनको 86 बिलियन के आसपास एक तरीके से पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, वो है क्योंकि हमारे देश की जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसके लिए पावर सेक्टर की या बोल सकते हैं कि एनर्जी की डिमांड वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखो इस रिपोर्ट के कुछ की पॉइंट दिए गए हैं, जैसे इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारे देश में जो रूरल एरियाज हैं उनमें बेसिकली अगर हमें उनकी आजीविका को भी सिक्योर करना है और इसी के साथ हम बात करें कि हमारे देश में जो बिजनेस का लॉस हो रहा है उसको भी हम एलिमिनेट कर सकें, इन दोनों ही कामों के लिए हमें अगर 24 घंटे पावर सप्लाई देनी है तो हमें कहीं ना कहीं पावर सेक्टर को आगे लाना होगा। मतलब बात यहाँ पे ये कही है अगर हम 24 घंटे पावर सप्लाई को सिक्योर करते हैं तो हमारे देश का जो बिजनेस लॉस हो रहा है हर साल लगभग $22.7 बिलियन का उसको भी हम कवर कर सकते हैं, और इसी के साथ ही जो हाउस होल्ड की इनकम है उसको भी हम इंक्रीज कर सकते हैं $9.4 बिलियन के आसपास। ये बेसिकली इसमें कहा गया है, मतलब अगर हमें पावर सेक्टर को इम्प्रूव करते हैं तो हमें ये बेनिफिट हो सकते हैं। इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स या जो सॉरी इलेक्ट्रिसिटी पर जो सब्सिडी दी जाती है वो हमारे देश में एक बहुत बड़ी बीमारी या बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि अगर हम मैक्सिमम सब्सिडी देते हैं तो उससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं और जो नई पावर जनरेट है वो नहीं कर पाते हैं, ट्रांसमिशन में लॉस होता रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन में लॉस होता है, और इसलिए हमारे देश में लाइट की शॉर्टेज है वो रहती है। अब आप देखो अगर गवर्नमेंट पैसे दे देगी सब्सिडी के पैसे दे देगी लाइट में, इसका मतलब गवर्नमेंट नए प्रोजेक्ट नहीं लगा पाएगी लाइट संबंधित, और कहीं ना कहीं वही हमारे देश में भी पावर शॉर्टेज का अहम कारण बनते हैं। मतलब इस रिपोर्ट में कहा गया कि हमारे देश में जो पावर शॉर्टेज है इसका मेन कारण है इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है 2016 के डाटा के अकॉर्डिंग कि लगभग 20% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो तो हमारे देश में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे लॉस्ट हो जाती है। मतलब अगर एक पावर प्लांट 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है तो लोगों तक 80 यूनिट ही पहुँच पाती है, 20 यूनिट है वो तो रास्ते में कंज्यूम या खत्म है वो हो जाती है, पावर लॉस हो जाती है ट्रांसमिशन की वजह से, जो कि ये रेट है वो वर्ल्ड की हाइएस्ट है। तो ये बेसिकली इसमें इफेक्ट दिया गया है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी की जो यूनिट की रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है हमारे देश में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट है वो काफ़ी एरियाज में सब्सिडी दे रही है लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और इसलिए उस पैसे को वहन करने के लिए वो जो इंडस्ट्रीज हैं उनको महंगी लाइट प्रोवाइड करा रही है, जो कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है। इसके साथ ही इनके द्वारा एक डाटा ये दिया गया है जो कि ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट के द्वारा किसानों को सब्सिडी दी जा रही है इलेक्ट्रिसिटी पे उसका सबसे बड़ा खामियाजा हमें ये भुगतना पड़ रहा है। थोड़ा ध्यान से सुनना, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इंडिया के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी दी जा रही है किसानों को उसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्राउंड वाटर है उसको काफ़ी तेज़ी से एक्सप्लोर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि किसानों को लाइट वो मिल रही है सस्ती, और इसीलिए वो ग्राउंड वाटर को काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से
एक्सप्लोइट है वो कर रहे हैं। तो इसमें डाटा भी दिया गया है कि अगर हम बात करें 1950 के कंपैरिजन में, तो 1950 की कंपैरिजन में 2014 में हम लगभग 700 गुना ग्राउंड वाटर को इंक्रीज है वो कर चुके, मतलब इतने ज्यादा हम पानी को कंज्यूम है वो कर रहे हैं। तो ये इसमें कुछ फैक्ट है वो दिए गए हैं। तो देखो बेसिकली इसकी जो रिपोर्ट के काफी अच्छे अच्छे पॉइंट हैं जिनका हम कहीं यूज है वो कर सकते हैं, एसे राइटिंग में भी और क्वेश्चन राइटिंग में भी इनका आंसर राइटिंग में हम यूज है वो कर सकते हैं। देखो बेसिकली आज थोड़ी तबियत खराब थी तो थोड़े लेक्चर में कुछ वॉइस के इश्यूज हो सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।